जो मेडिसिन आपका गया है कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्या फायदा देख रहे बताइए। उसमें पहले जो मेडिसिन दिए थे उस मेडिसिन से 50% तक तो आराम है। 50% आराम है, ठीक है। हाँ, उसको खाया था तो सही हुआ था। बीच में मैं कहीं चला गया दूसरी जगह, दवा नहीं ले पाया, नेपाल चला गया तो हाँ, जब तक के लिए कोई दूसरा दवा खा रहा था, लेकिन आपका दवा खाने से 50% मतलब अभी भी इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है, 2 महीने का। मेडिसिन, हाँ मैं देख रहा हूँ मेडिसिन आपका छूट गया है बीच में, हाँ, बीच में मेडिसिन छूटा हुआ बहुत था। दिन मेडिसिन छूट गया है आपका। एक ही हाँ, बार एक मेडिसिन बार गया हुआ है, इस बार सेकंड हाँ मेडिसिन तो जाएगा। दवा खाने से सुनिए सर, दवा खाने से बाद दिन तो ठीक हो रहा था, मतलब शुरू शुरू में जब 20 दिन 25 दिन 1 महीना दिन दवा खाया तो उतना असर नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरा डोज स्टार्ट हुआ ना तो उससे आराम मिला। तो अच्छा बाद स्टार्ट। दिन तो हो रहा था, लेकिन खाना सही से पचता नहीं, मतलब ऐसा महसूस होता है कि मेरे बाथरूम में बंद है थोड़ा सा, और ऐसा लगता है कि खाना सही से पच के बाथरूम नहीं हो रहा है। ठीक, स्टार्टिंग के 15 डेज में आपको फर्क नहीं आया, उसके बाद आपको फर्क आना स्टार्ट हुआ, ये बात है ना। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज सुना, इस पेशेंट को बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्जियत की प्रॉब्लम है, पिछले कई सालों से इनको प्रॉब्लम है, लेक्सरेटिव वगैरह खाए बगैर इनका पेट साफ नहीं हो पा रहा था, और मेरे पास आने से पहले कई जगहों से ट्रीटमेंट भी किया हुआ है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया हुआ है, आयुर्वेदिक किया हुआ है, यूनानी किया हुआ है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा हुआ था, लेक्सरेटिव इनको खाना पड़ रहा था, तो पेट थोड़ा बहुत साफ इनको लेक्सरेटिव से हो रहा था, लेकिन कोई और मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। अब ये पेशेंट मेरे पास आने से मैं इनका थॉरली केस टेकिंग किया पहले। केस टेकिंग करने के बाद पेशेंट को कुछ ऑक्जिलरी मेजर्स बताया कि क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, पहले ये मैं लिस्ट पेशेंट को दिया। उसके बाद ये करने के बाद पेशेंट का थॉरली केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद पेशेंट का जो मेडिसिन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो निकला वो था साइलेशिया। साइलेशिया पेशेंट को मैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ये चार पोटेंसी में मैंने साइलेशिया पेशेंट को मैंने दिया है। स्टार्टिंग का 10-15 दिन में कुछ खास फर्क इनको नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे ही 0/2 स्टार्ट किए तो पेशेंट को अच्छा फर्क आना स्टार्ट हो गया था। अब इस पेशेंट को साइलेशिया ही क्यों प्रिस्क्राइब किया गया था? साइलेशिया इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया था, पेशेंट का जो टेम्परामेंट है, यानी गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा नहीं आता है, माइल्ड टेम्परामेंट है, जस्ट लाइक पल्सेटिला, छोटी सी बात पे रो भी पड़ते हैं। और सेकंड सिम्टम था, बहुत बड़ा सिम्टम था साइलेशिया का, वो था इनका हथेली में और पैर में पसीना आया करता है, और उस पसीने में दुर्गंध बहुत ज़्यादा है। ये पिकुलियर क्वेयर रेयर सिम्टम है सेकेंड सिम्टम साइलेशिया का। थर्ड सिम्टम यह था कि इनका जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज से ऑफेंसिव गंध आया करता है, यानी टॉयलेट से, लैटरिन से दुर्गंध बहुत ज़्यादा है। फोर्थ सिम्टम की अगर बात करें, पेशेंट को अगर कहीं पे घाव होता है या कहीं पे कुछ स्किन डिजीज होता है तो वो सूखने में, हील होने में बहुत टाइम लगता है, ये और एक सिम्टम है साइलेशिया का। फिफ्थ सिम्टम की अगर बात करें, इनको हेडेक होता है, हेडेक स्टार्ट होता है बैक से और एंड होता है यहाँ पे आके, ये साइलेशिया का हेडेक है। सिक्स सिम्टम की अगर बात करें तो ऊपर देखने से इनको वटाइगो आता है, चक्कर होता है, तो ये हो गया साइलेशिया का कुछ सिम्टम्स। इन सिम्टम्स को ऊपर बेस करके पेशेंट को मैं साइलेशिया प्रिस्क्राइब किया था, और स्टार्टिंग का 2 महीने में ही पेशेंट को इतना अच्छा फर्क पड़ गया कि पेशेंट खुद बताया कि डॉक्टर साहब 50% इम्प्रूवमेंट मुझे हो गया, 50% नहीं और वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, 70% इम्प्रूवमेंट हुआ है, कम से कम मानकर चल सकते हैं, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट पेशेंट को हो गया है। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के तहत हम लोग पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। 8-10 मेडिसिन, हाइड्रेस्टिस देने से, ये देने से, वो देने से पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, डॉक्टर रेगबेक का इतना नंबर, एडल का इतना नंबर, ये सब करने से पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगा। सिंगल मेडिसिन देना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप पेशेंट का थॉरली केस टेकिंग करके सिंगल मेडिसिन देंगे, एक साथ 8-10 मेडिसिन देंगे, पेटेंट देंगे, टॉनिक देंगे, डॉक्टर रेगबेक का इतना नंबर, एसबीएल का इतना नंबर, एडल का इतना नंबर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। येलो टॉप देंगे, मैगमूर देंगे, हाइड्रेस्टिस देंगे, ऑर्निथोगैलम देंगे, नहीं सॉल्व नहीं होगा पेशेंट का प्रॉब्लम। सिंगल मेडिसिन देना पड़ेगा आपको, पूरा केस टेकिंग करने के बाद सिंगल मेडिसिन देंगे, तभी जाके पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा।
मेरे पास कितने क्रॉनिक से क्रॉनिक मैंने कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम को ठीक किया हुआ है। हाँ, साथ में लाइफस्टाइल में भी पेशेंट को बदलाव लेके आना पड़ेगा, पेशेंट को बोलना पड़ेगा, बीइंग ए डॉक्टर आपका काम होता है पेशेंट को ये भी बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चीज़ पेशेंट को खाने के लिए बोलना है, कौन सी चीज़ पेशेंट को खाने के लिए मना करना है, बीइंग ए डॉक्टर ये आपको बोलना पड़ेगा। तो मेरे डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।